Good morning, students. Today we will study about chapter 7, equilibrium. So what is equilibrium? Equilibrium is that state of a reaction when the concentration of the reactants and products do not change with time. जब आप ये observe नहीं कर सकते हैं कि reactant या product की concentration कब decrease हो रही है और कब increase हो रही है, तब ये कहा जाता है कि अब इस reaction को equilibrium attain हो गया है. Equilibrium may be of two types. फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम. फिजिकल इक्विलिब्रियम वो होता है जो फिजिकल प्रोसेसेस में होता है, जैसे द रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. केमिकल इक्विलिब्रियम वो होता है जो केमिकल रिएक्शंस में अटेन होता है. इफ द इक्विलिब्रियम अटेन इन फिजिकल प्रोसेसेस इट इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम, एंड इफ द इक्विलिब्रियम अटेन इन केमिकल प्रोसेसेस इट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम. सो to study about the equilibrium we must know the law of mass action. According to the law of mass action, the rate of a reaction is directly proportional to the active masses of the to the product of the active masses of the reactants. Active masses means to say their molar concentration or their concentration there in moles per liter. Active masses ko hum represent karte hain रिएक्टेंट को एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर. सो दिस इज द एक्टिव मास ऑफ ए एंड दिस इज द एक्टिव मास ऑफ बी. यहाँ हमने रिएक्शन कंसीडर किया है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है. ए प्लस बी इज गिविंग ए बी. सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ ए और द एक्टिव मास ऑफ बी. और यू कैन से द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए इनटू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बी. When we remove the sign of proportionality, we put a constant. यहाँ हमने constant लिया है K, जिसे हम कहते हैं rate constant. तो rate of a reaction is equal to K active mass of A into active mass of B. एक reversible reaction के लिए यही condition क्या होगी? इस reversible reaction में दो reaction है, एक तो forward reaction है and दूसरी backward reaction है. फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ए और बी है, जबकि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट सी एंड डी है. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू के वन ए एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी. बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन होगा के टू एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी. यहाँ के वन एंड के टू स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम में बी ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. होमोजीनियस इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है अगर रिएक्शन के रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सबका फिजिकल स्टेट सेम हो तो हम उसको बोलते हैं दैट द रिएक्शन इज इन होमोजीनियस इक्विलिब्रियम. अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो देन इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. फॉर एग्जाम्पल होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. इसमें नाइट्रोजन भी गैसेस स्टेट में है, हाइड्रोजन भी गैसेस स्टेट में है और अमोनिया भी गैसेस स्टेट में है. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबका फिजिकल स्टेट सेम है सो इट इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम. हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का. कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है. तो रिएक्शन और प्रोडक्ट्स का फिजिकल स्टेट टोटली सेम नहीं है सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. अब हमने पढ़ा था केसी के बारे में, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के बारे में. केसी इज इक्वल्स टू किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अपॉन उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को हम केसी कहते हैं. लेकिन अगर कोई रिएक्शन गैसियस स्टेट में है तो हम उनकी कंसंट्रेशंस को मेजर नहीं कर सकते. फिर हम उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मेजर करने के लिए उनके पार्शियल प्रेशर्स का यूज करते हैं और उसके लिए केसी की जगह पर हम टर्म यूज करते हैं के. सपोज हम उसी रिएक्शन का एग्जाम्पल ले रहे हैं ए टू दी पावर ए ए बी बी इज गिविंग सी सी एंड डी डी. सपोज ये गैसियस रिएक्शन है तो यहाँ पर हम ए की मोलर कंसंट्रेशन बी की सी की और डी की मोलर कंसंट्रेशन नहीं लेते हैं, हम उनको पार्शियल प्रेशर के टर्म में लेते हैं
और बिल्कुल उसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू दी पावर सी इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू दी पावर डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू दी पावर ए इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू दी पावर बी। अब हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं केपी और केसी के बीच में। आइडियल गैस इक्वेशन सेज दैट पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं पी इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी। एन अपॉन वी का मतलब हुआ मोलर कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो इट विल बी द मोलर कंसंट्रेशन। हमने इसको सी